हेलो, कैसे हो? तो भाई मैंने K8 माइक लिया है, वायरलेस। भाई आप देख ही सकते हो, भाई हम आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको भाई इसको चला के भी दिखाएंगे। तो भाई आप पर देखो, पहले तो यहाँ पर एक कागज़ निकला है, इसके बारे में भाई सब कुछ बताता है। तो भाई एक डिब्बा निकला है, इस डिब्बे में भाई एक इसका चार्जर है माइक का, यहाँ पर ये हमारा K8 वायरलेस माइक आ गया। तो भाई आप इसको देख ही सकते हैं, भाई बहुत ही अच्छा है, भाई शानदार भी है। इसको बगल में रखते हैं हम। यहाँ पर भाई हम आपको आईफोन का कनेक्टर भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पर सी टाइप भी। अगर भाई आपका कोई भी नॉर्मल चार्जर है तो भाई आपको भाई इसका USB ले लेना है, फिर इसको लगा देना है भाई, और आपका रिकॉर्डिंग होगा, इसमें कॉपी भी होगा। सो भाई ये था हमारा माइक, इसको हम चार्ज करके दिखाते हैं आपको। भाई कोई कोई लोगों में भाई एक प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर चार्ज लगाने पर फिर बत्ती बरता है भाई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद, अभी देखना थोड़ी देर के बाद अभी देखना भाई, ये भाई बंद हो जाएगा भाई इसका बत्ती। भाई अभी देखना, आप थोड़ी देर रुक जाओ भाई। सो भाई आप देख सकते हैं बंद हो गया है पूरा प्रूफ के साथ। भाई बहुत लोग कहते हैं भाई ये कि मतलब पूरा फुल चार्ज हो जाता है, तो भाई ये बंद हो जाता है भाई ऑटोमेटिकली अपना। सो भाई हम यहाँ पर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, बटन दबोड़ कर भाई प्रेस, तो यहाँ पर ग्रीन रेड भर रहा है भाई, उसके बाद बंद हो जा रहा है। भाई एक प्रॉब्लम आता है कि इसमें भाई इसका चार्जिंग पिन ख़राब होता है या बैटरी ख़राब होता है, तो भाई मेरा यहाँ पर चार्जिंग पिन ख़राब है भाई, क्योंकि भाई एक इसका बैटरी ख़राब होता है तो उसका चालू नहीं होता है, तो इसलिए भाई मेरा चार्जिंग पिन ख़राब है, इसको बदलना पड़ेगा। तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो।